बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुनीबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप CL24 का हिस्सा बनी और आपने हमें वक्त दिया। मुनीबा हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं न्यूलैंड्स केप टाउन से, और मुनीबा थैंक यू वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भी थैंक यू जो आपने हमें इनवाइट किया। मुनीबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? एंजॉय किया आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप T20 मैचेस को? जी बिल्कुल, काफी मजा आया, काफी क्लोज मैचेस भी रहे हमारे और काफी सीखने को भी मिला है। अनफॉर्चुनेट था आखिरी मैच, लेकिन बट ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा मुनीबा, मैं थोड़ा सा बात करूंगा। आपने माशाल्लाह, आपके लिए तो ये वर्ल्ड T20 बहुत यादगार रहा। वो पाकिस्तान वुमेन टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत पहले से इंप्रूव कर गई है, और जो पाकिस्तान, स्पेशली जब पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ पहला मैच खेला है तो उसमें पाकिस्तान ने हाईएस्ट स्कोर किया इंडिया के खिलाफ, बहुत अच्छा था। तो उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ बहुत अच्छा मैच था और पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया है। आपके लिए ओवरऑल ये जो 100 था, मैं उस पर बात करूंगा, कैसे आप मेमोराइज करती हो उस इनिंग को? जी काफी यादगार इनिंग्स तो जरूर है, क्योंकि हम मैच भी देखते थे और काफी इम्पोर्टेंट मैच था हमारे लिए, और उसमें परफॉर्म करना और टीम को जितवाना काफी मेमोरेबल रहेगा। और इंटरनेशनल में जब भी आप रन करो आप हमेशा कॉन्फिडेंट होते हो और आप सीखते ही हो हमेशा, तो मैंने भी उस इनिंग से काफी सीखा किस तरह बिल्डअप करनी है, किस तरह पार्टनरशिप बनानी है और किस तरह फिनिशिंग टच भी देना है। तो काफी कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस रहा इस वर्ल्ड कप में ओवरऑल भी मेरे लिए। मुनीबा, पाकिस्तान की यंगेस्ट, पाकिस्तान की पहली खातून T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी, ये चीजें आपके लिए कितना यादगार है और आपके कॉन्फिडेंस को कितना बढ़ा रही हैं? जी बिल्कुल, काफी यादगार जरूर रहेंगे, हमेशा याद रहेगा मुझे इस इनिंग्स के बारे में। और कॉन्फिडेंट इंसान होता रहता है, जितना ज्यादा इंटरनेशनल में रन करता रहे तो बैटिंग में भी निखार आता है और खुद भी आप कॉन्फिडेंट होते रहते हैं अपनी बैटिंग में, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होता है। अच्छा मुनीबा, अगर मैं आपसे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊं, जाहिर है क्रिकेट टीम में आने से पहले आपने कराची में, कराची की गलियों में भी क्रिकेट खेली, अपने घर की छत पे भी क्रिकेट खेली, और फिर आपने क्लब क्रिकेट भी खेली, तो आप कैसे उसको यादगार करती हो? आप कौन सी चीज थी जिसने आपको बिल्ड किया था, और सबसे पहले कौन सी चीज थी जिसने आपको क्रिकेट की तरफ रागिब किया? हमेशा से शौक ही था, क्योंकि यही सिर्फ एक क्रिकेट ही था जिससे ज्यादा जिसको खेल के ज्यादा मजा आता था, बाकी स्पोर्ट्स भी खेलती थी, बस इसमें ही हमेशा दिल लगा रहता था। और उस टाइम वुमेन्स क्रिकेट इतनी टेलीकास्ट नहीं होती थी, मेंस क्रिकेट को देख देख के ही शौक होने लगा, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट की, फिर अल्लाह ताला ने साथ दिया और यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, अगर मैं आपसे मेंस क्रिकेट की आपने बात की है, तो फिर डेफिनेटली आप एक आध ऐसा बल्लेबाज होगा जिसको आप आइडियलाइज करती होंगी, तो कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जिसको आप आइडियलाइज करती हैं? देखिए हमारे पास इतने अच्छे रोल मॉडल्स आ गए हैं बैटिंग में, देखा जाए तो बाबर आजम, रिजवान, और काफी ज्यादा नाम मिस हो रहे हैं, बट आई थिंक अभी जो हमारी रिसेंट टीम है उनमें काफी ज्यादा रोल मॉडल्स हमारे लिए हैं, जिनको देख के हम इंस्पायर होते हैं, और जिस तरह वो अपनी टीम को लिए खेलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके खेलते हैं, तो हम काफी सीखते हैं उनकी टीम से और काफी मजा आता है अपनी मेंस क्रिकेट टीम को जो आजकल है उसको देख के, उसका पैशन देख के। तो हम भी कोशिश करते हैं कि अपनी टीम को भी वैसे ही रखें और एक साथ रहें, एक साथ लड़ें, एक साथ जीतें। अच्छा मुनीबा, थोड़ा सा आपने सियासी बयान नहीं देना, आपने मुझे प्योरली बताना है आप किस बल्लेबाज को आइडियलाइज करती हो जिसको आप समझती हो कि मैं इससे देख के बहुत कुछ सीखती हूँ और मुझे इस जैसी परफॉर्मेंस देना चाहिए। वुमेन्स क्रिकेट में देखा जाए तो बैट धोनी है जो ओपनर भी है, और उनसे काफी उनकी 7 सीरीज भी खेली है, काफी सीखने को भी मिलता है, और उनका गेम प्लान भी देखा जाए तो अपने हम लोग की तरह के ही वो प्लेयर हैं जो ज्यादा बड़ी शॉट नहीं मारती, बट जिस तरह फील्ड्स के साथ वो खेलती हैं तो उनके गेम को देख के काफी सीखने को मिलता है। और कोशिश यही होती है हमेशा जितने भी रन करें अपनी टीम के लिए करें, आई नो थोड़ी कंसिस्टेंसी कम है, बट आई थिंक इस चीज पे काम करना है कि उस अप्रोच के साथ कंसिस्टेंसी भी लाऊं गेम में। अच्छा मुनीबा, मैंने आपकी इनिंग का थोड़ा सा एनालिसिस किया है, आपकी मुझे लग रहा है कि लेग साइड स्ट्रांग है, आपको ऑफ साइड पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, आपके कोचिज ने आपको क्या कहा है? मेरी कोशिश यही होती है जहाँ पे फील्डर ना हो वहां पे मारूँ, तो जब आपने देखा होगा उधर फील्डर कम होगा इसलिए मैंने लेग साइड पे मारा है, बट देखे तो मैंने उस इनिंग में कवर्स की तरफ और सामने भी काफी रन बनाया है, तो बट यही होती कोशिश मेरी यही होती है कि फील्ड के साथ खेलूँ, और बिल्कुल परफेक्ट कोई भी नहीं होता, हम हमेशा इम्प्रूव कर रहे होते हैं
एज अ प्लेयर भी, एज अ टीम भी, और मेरे साथ भी यही है। कोशिश यही करती हूँ जो रिक्वायरमेंट है और जो प्लान दिया जाए उस पे काम करूँ, ताकि वो एट द एंड गेम प्लान, टीम के गेम प्लान पे खेलूँ अपनी बैटिंग के साथ। अच्छा मुनीबा, जब आपकी पार्टनरशिप्स लग रही थी, आप 100 की तरफ जा रही थी, तो सीनियर्स ने क्या मैसेज दिया, और स्पेशली आपके साथ निदा की क्या बातचीत हुई? बात उनके साथ यही थी कि जितना हमारा अच्छा मोमेंटम बना है उसको कैरी करते रहे करते रहे, और फिर एट द एंड देखें क्या कहाँ पे हम जाते हैं। तो बस मेरी यही कोशिश थी और जहन में भी यही था कि जितना ज्यादा मैक्सिमम टारगेट दे, क्योंकि आयरलैंड से हमारी लास्ट सीरीज रही है जो कि T20 में हमारी उनकी तरफ ज्यादा रही है, 2-1 रहा था हमारा, तो हमने उससे काफी सीखा था। और माइंड में यही था कि हमने बस मैक्सिमम टारगेट देना है ताकि वो लोग चेजिंग में अंडर प्रेशर है। बट एट द एंड वो टीम का भी फायदा हो गया, मेरा भी फायदा हो गया। बस उस टाइम बात यही थी कि हमने टीम का मैक्सिमम स्कोर करना है। मुनीबा, क्या लगता है आपको, इंग्लैंड के खिलाफ, हालांकि पाकिस्तान टीम आयरलैंड के खिलाफ खेली, आयरलैंड में खेली, कंडीशंस भी पाकिस्तान ने अच्छी खासी रीड की, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान टीम खेली, तो कौन सी ऐसी चीज थी जो हम इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो हम उस तरह से उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए और हम बहुत ही कम स्कोर पर आउट हुए? देखिए प्रेशर तो होता है चेजिंग में हमेशा, और जब 200 प्लस लगाओ तो आप या तो बहुत करीब चले जाते हो या बहुत जल्दी आउट हो जाते हो, तो हमारे साथ भी यही रहा है। बट आई थिंक ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। और इंग्लैंड की टीम नो डाउट जिस तरह वो खेली है, जिस तरह चारों तरफ वो खेली है, हमें थोड़ी मुश्किल हुई है उनको रोकने के लिए। बट आई थिंक एज अ टीम हमने काफी लर्न किया है, बिकॉज दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, और आई थिंक हमने काफी लर्न किया इस मैच से। और बात यही है कि एट द एंड रिजल्ट देखे जाते हैं, बट यही है कि उनका स्किल लेवल इतना था कि वो 200 कर पाए। बट आई थिंक इन फ्यूचर जब मैचेस होंगे तो आपको क्लोज मैचेस जरूर देखेंगे उनसे। ये आपने बहुत ही एक हकीकत पसंदाना बात की है कि हकीकत यही है कि उनका स्किल लेवल हमारी टीम से बहुत अच्छा है, उसके पीछे उनका स्ट्रांग नेटवर्क, उनकी जो ग्रोथ है टीम की, पाकिस्तान की खवातीन की ग्रोथ बहुत डिफरेंट होती है, लड़कियों के पास उतना रूम नहीं है। मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ और हम आपको ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि आपने ये 100 बनाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, सब्ज हिलाली परचम हर जगह पे लहराया। कितना प्राउड फील करती है, घर में किससे बात हुई थी, सबसे ज्यादा शाबाशी तो सबसे मिली होगी, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी वाले अल्फाज कौन से थे? बिल्कुल, आई थिंक वर्ल्ड कप में की इसलिए ज्यादा रिकग्नाइज किया लोगों ने, घर से घर वालों को भी, उनके रिश्तेदारों ने काफी कॉल्स की, और देखा जाए तो घर के अलावा भी जहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं थी वहां से भी लोगों ने देखा है और उन लोगों ने अप्रिशिएट किया, जो कि एक अच्छी चीज है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा आप नजर आते हो। बट आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, और एज अ टीम भी काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस स्पीच पहले भी रही है। बट आई थिंक मैं हाईलाइट इसलिए हो गई क्योंकि वर्ल्ड कप था, वो बस यही अलग बात है। बट आई थिंक सबकी कंट्रीब्यूशन है, कहीं ना कहीं सबने इस तरह परफॉर्म किया हुआ है। अच्छा मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ, जब आपने 100 किया था, आपकी घर वालों से, बहन भाइयों से, दोस्तों से, अम्मा से, अब्बा से बातचीत हुई होगी, तो सबसे ज्यादा अच्छा किसके अल्फाज सुन के लगा आपको? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट आई थिंक सबने काफी अप्रिशिएट किया, और ऑब्वियसली आपको पता है घर वाले सब काफी क्लोज होते हैं, वो आपके साथ हमेशा पूरी जर्नी में होते हैं, जब से आपने स्टार्ट की होती है तो वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, उन्होंने आपका हर टाइम देखा होता है, आपके हर मूड स्विंग्स देखे होते हैं, तो वो काफी अच्छा लग रहा था जब उनकी तरफ से ये मैसेजेस आए। और इवन मेरे दोस्तों की तरफ से भी जो कि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो वो मेरे लिए काफी, मुझे उनकी चीजें काफी अच्छी लगी थी। अच्छा मुनीबा, अगर मैं आपसे पूछूं, जाहिर है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, आयरलैंड का टूर किया, फिर अभी इंग्लैंड के खिलाफ खेले, इंडिया के खिलाफ खेले, आयरलैंड के खिलाफ खेले, तो किन इंटरनेशनल प्लेयर से इस वर्ल्ड T20 के दौरान आपकी दोस्ती हुई है और आपने उनको बहुत अच्छा पाया और आप समझती हो कि इनके साथ मेरी ग्रूमिंग भी हो सकती है मजीद? दोस्ती किसी से नहीं हुई, बट बात जरूर हुई है एक दो प्लेयर से, और काफी वेलकमिंग होते हैं और हमेशा रेडी होते हैं एडवाइस देने के लिए। तो बिल बात की अपने गेम प्लान की ही बात करते हैं कि वो किस तरह अप्रोच करते हैं, और फिर कोशिश यही करते हैं कि जब तैयारी करें नेक्स्ट उनकी बातों को जहन में रख के करें, ताकि हमारा गेम भी इम्प्रूव हो। अच्छा मुनीबा, अब आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, वर्ल्ड T20 में परफॉर्म कर गई हो, सेंचुरी मेकर हो पाकिस्तान की जानब से, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या डिफरेंस लगा है, पाकिस्तान को कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, हमें जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कैसे बढ़ेगी कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है दूसरी टीमों के मुकाबले में, जैसे इंग्लैंड या इंडिया परफॉर्म करता है या ऑस्ट्रेलिया करता है, हम भी करें?
देखिए काफी लॉन्ग जर्नी है, और इसमें मैं तो हम तो सिर्फ कह सकते हैं, बट काम तो ये पीसीबी का है, तो जितना वो ज्यादा ग्रास रूट को डेवलप करें, और प्लेयर डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गैप काफी ज्यादा, जब खेलते हैं आपको पता चलता है कि गैप काफी मैसिव है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये 2-3 सालों की जर्नी नहीं है, बट आई थिंक ये लॉन्ग जर्नी है, तो लोगों को भी थोड़ा पेशेंस रहना पड़ेगा इस जर्नी के साथ, क्योंकि प्लेयर्स आते जाते फिर वो थोड़ा टाइम लेते हैं ग्रूम होने में, तो ये एक सेटअप है जो चलता रहेगा, और अगर पीछे से हमारी ज्यादा ग्रास रूट डेवलप हो प्लेयर्स, और उस तरह कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें जिस तरह लीग्स में सब खेल रहे हैं, हमारे साथ भी आके खेलें, तो काफी जल्दी इम्प्रूवमेंट भी देख सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान वीमेन टीम अब इंटरनेशनल टूर्स भी कर रही है, आपको लगता है कि इंटरनेशनल टीमें लाइक जैसे इंग्लैंड ने पाकिस्तान का टूर किया है, दूसरी टीमें भी करेंगी, तो पाकिस्तान को इसका बेनिफिट मिलेगा? और इस साल का जो आपका 2023-2024 का स्केड्यूल है, ये पाकिस्तान को हेल्प आउट करेगा और हम एक साल बाद डिफरेंट पोजिशन में होंगे? देखिए हमेशा यही कोशिश होती है कि जो बड़े इवेंट्स हैं उनमें अच्छा करे, उसके लिए पूरी प्रिपरेशन होती है पिछले साल 2-3 सालों से, तो हमारे भी यही कोशिश होगी कि नेक्स्ट जब भी हम खेलें, या कब जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले दोबारा से खेलने की, तो अपनी टीम को जितवाने की करें, और अपनी होम कंडीशन में जितना खेलता है इंसान, क्योंकि थोड़ा नोहा होती है तो ज्यादा मजा भी आता है और सीखने को भी मिलता है, तो अगर टीमें आए और हमारे साथ ज्यादा मैचेस खेले तो जरूर हमें फायदा होगा। अच्छा, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, आखिरी दो क्वेश्चन है मुनीबा। कौन सा शॉट फेवरेट है और कौन सा ऐसा बॉलर था इस T20 वर्ल्ड कप के दौरान जिसको खेलने में मुश्किल पेश आई? मुझे एक्स्ट्रा कवर खेलना अच्छा लगता है, और बॉलर देखिए काफी इंटरनेशनल के काफी सब अच्छे ही हैं, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की टीम का बॉलिंग अटैक मुझे सबसे अच्छा लगा, जो इस वर्ल्ड कप में तो नहीं खेला, बट आई थिंक हमने जब ऑस्ट्रेलिया में गए थे वो काफी कंडीशंस के लिहाज से काफी अच्छा अटैक था, और काफी मुश्किल होती थी ओवरऑल बॉलिंग। बाउंसर से कितना डर लगता है मुझे? बाउंसर से जब इतना नहीं लगता, क्योंकि इतनी अलाव भी नहीं होती, एक दफा ही होती है, तो डरने की बात नहीं है, बट बस डर तो नहीं लगता। अच्छा, मुझे वो बहुत कम बल्लेबाज होते हैं जिन्होंने ग्लासेस लगाए होते हैं, फिर हेलमेट भी पहना होता है, कितना मुश्किल है ये मैनेज करना? कभी कभी लगता है मुश्किल है या आर यू इजी नो? नहीं, बिल्कुल ये मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आदत बन जाती है, आप शुरू से इसी तरह खेल रहे होते हैं, खेलते भी नहीं है तो मुश्किल नहीं होती बिल्कुल। अच्छा, बिस्मा मारूफ आज मिस कर गई हैं डेफिनेटली, तो पाकिस्तान को इसका कोई सेटबैक हुआ है आपको लगता है कि इसकी वजह से जी बिस्मा मारूफ आज के मैच में नहीं खेली, तो आपको लगता है कि इसकी वजह से भी एक पाकिस्तान टीम को सेटबैक हुआ और पाकिस्तान 99 पे आउट हुआ? देखिए हमेशा सीनियर प्लेयर की अपनी जगह पे नहीं खेलता, तो हमेशा उसकी कमी महसूस होती है, तो बिल्कुल कमी तो जरूर महसूस हुई है, और हमेशा रहेगी उन जितना कैलिबर की वो प्लेयर है, जिस तरह से हमें हमेशा साथ लेके खेलती हैं, हमें हमारी इनिंग्स भी प्रोलॉन्ग करती हैं अपनी भी, तो हमेशा कोई जगह छोड़ के जाता है, उसकी कमी तो महसूस होती है। अच्छा मुनीबा, आखिरी क्वेश्चन, T20 में आपने 100 बना लिया, रिकॉर्ड बना दिया, पाकिस्तान का नाम रोशन हो गया, और अब आपने कोई और ऐसा ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है जो आपने अचीव करना है, जो आपके दिल में है कि मैं क्रिकेट में आई हूँ, अब वर्ल्ड टॉप क्लास प्लेयर बन गई हूँ, तो मैंने ये काम करना है? देखिए गेम खेलते हैं तो यही कोशिश होती है कि टॉप में आए, तो बिल्कुल ख्वाहिश तो यही है, कोई एक सर्टेन गोल नहीं है, बस कोशिश यही होती है, एक अगर गोल गए तो यही है कि सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाऊं, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो होगा, बट आई थिंक टॉप पोजीशंस में आना यही गोल है, और टीम को टॉप पोजीशंस में लेकर जाना। मुनीबा, आखिर पे अपनी जो आपके फैंस हैं, आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए मैसेज दे दो, और जो यंग लड़कियां हैं उनको क्रिकेट की तरफ राग़िब करने के लिए आपका क्या मैसेज है, जो कॉलेजेस में स्कूल्स में पढ़ रही हैं कि क्रिकेट खेलें? बिल्कुल अगर किसी में पोटेंशियल है, उनके घर वालों की तरफ से इजाजत है, सपोर्ट है, तो उनको जरूर खेलनी चाहिए, क्योंकि सपोर्ट होगी तो वो खेल सकते हैं, और हर तरह के उससे लड़ सकते हैं और आ सकते हैं, तो आई थिंक जिनको सपोर्ट है और जिनमें पोटेंशियल है वो जरूर आए और खेलें, फैंस के लिए मैसेज, बस यही है कि सपोर्ट करते रहे, इंशाल्लाह थोड़ी सी जर्नी लॉन्ग है, बट आई थिंक रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और बीच बीच में हम अच्छा करते रहेंगे।
मुनीबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है और हम आपके वक्त के बहुत शुक्रगुजार हैं, और आपके लिए बहुत सारी विशेज हैं मेरी तरफ से, टीम की तरफ से और तमाम चाहने वालों की तरफ से कि आप ज्यादा से ज्यादा सेंचुरियां बनाएं, और जो आपने जिंदगी में एक गोल रखा है कि आप एज ए क्रिकेटर चाहती हैं कि आप सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करें, बेस्ट विशेज, बहुत शुक्रिया मुनीबा अली, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।